तो भाई अब चेक करो भाई साहब, ऐसे वाली सिचुएशन होगी ना मेरे लिए तो। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के ऑलमोस्ट 7 और निकल चुके हैं गोपेश्वर से। गोपेश्वर को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है आफ्टर 8-9-10 डेज। तो भाई देखो, फाइनली अपना 9-10 दिन बाद अपनी ये ट्रिप ख़त्म होने जा रही है। एंड देखो वैसे तो अच्छा ही लग रहा है क्योंकि अब दोबारा से अपना उस शहर के शोर में जाना पड़ेगा, बट देखो वो भी ज़रूरी है, वो भी करना पड़ता है। एंड देखो सच बताऊँ तो यकीन नहीं हो रहा यार, क्योंकि ये ड्रीम ट्रिप थी यार मेरी, केदारनाथ और ये पंच केदार सब करना। ऑल दो एक केदार रह गया अपना रुद्रनाथ, बट वो भी करेंगे यार बहुत जल्दी दोबारा आके करेंगे, बट अभी के लिए 4 केदार काफ़ी हैं और मैं बहुत खुश हूँ सच बताऊँ तो। बस अभी के लिए फिर इतना ही है और अभी अपना चलते हैं घर। ओके सो गाइस, टाइम हो रहा है सुबह के 10 और ब्रेकफास्ट के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया था मैंने, बट एक्चुअली वो छोटा सा ब्रेक मेरा काफ़ी बड़ा हो गया, लगभग 1.5 घंटे का, और इतना ज़्यादा खा लिया मैंने कि अब मेरे से ढंग से बोला भी नहीं जा रहा है, ओवर ईटिंग कर लिया काइंड ऑफ। मैंने खा लिया भाई 3 पनीर पराठे, पनीर प्याज के, और 2 गिलास लस्सी, और पेट हो गया सारा फुल। एक्चुअली भाई बात क्या है, बहुत स्वाद था खाना। ये देखो इसका नाम है मंगलम रेस्टोरेंट स्वीट्स टेंट हाउस और ये है श्रीनगर में, तो इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम हेयर मस्ट है यहाँ रुकना भाई, मेरे तो ऐड हो चुका है लिस्ट में। लिटरली बहुत स्वाद थे पराठे और लस्सी भी, तो अगर आप यहाँ जा रहे हो तो बिल्कुल रुक सकते हो, और साफ़ सुथरा बिल्कुल हाइजीनिक जगह थी। तो भाई एक हो गया समस्या, जब मैं खाना खा रहा था ना मैप पे मेरे को दिखा रहा था कि क्या हुआ भाई आगे जाम है और कुछ तो नहीं। अरे यार बिल्कुल ऐसे वाली सिचुएशन होगी ना मेरे लिए तो, निकालूं ट्राई करूं या तो। अरे यार बस वाला काम कर लिया करूं। हाँ तो भाई देखो, थोड़ा सा एक ट्विस्ट आ चुका है अपनी जर्नी में आगे की, क्योंकि जो रास्ता होता है श्रीनगर के बाद वो है चेंज जाता है, मतलब चेंज नहीं होता अपना तो सीधा है, बट जो मेन रोड था जो NH था दिल्ली तक का ऋषिकेश तक का, वो है ख़राब, उसमें बहुत खतरनाक वे लैंडस्लाइड हो रखी है, तो इसलिए हमें डीरूट कर दिया गया है। अब हम जा रहे हैं न्यू टिहरी होके। हाँ भाई बहुत लंबा रास्ता अगर आपको पता है तो, वो मतलब वो पूरा एक्स्ट्रा एक ट्राइंगल बना के ऊपर से होके जाता है और वो पहुँचेगा सीधा देहरादून। तो अभी यहाँ श्रीनगर से मैंने राइट टर्न लिया राइट की साइड, और न्यू टिहरी से होते हुए फिर आगे देहरादून लगेंगे हम। और अभी वैसे तो देखो रास्ता काफ़ी सही है, सही हुआ इस रास्ते से आया क्योंकि मैं कभी गया नहीं था, रास्ता बहुत बढ़िया है, बट ठीक है यार कोई नहीं, चलता है कभी कभी। तो भाई अब चेक करो भाई साहब, ओहो क्या जबरदस्त प्यारी है यार ये नदी, गजब। इसका नाम माँ कसम अभी चेक करता हूँ। तो भाई इस प्यारी प्यारी नदी का जिसको मैं इतनी देर से तारीफ कर रहा हूँ, इसका नाम है बिलांगना रिवर, और मतलब गूगल मैप पे तो यही शो कर रहा है, और जो मेरे को चलती हुई बाइक में जितना मेरे को समझ में आया मैं इतना ही पढ़ पाया। तो भाई साहब ओहो हो बिलांगना नाम तो मैंने वैसे नहीं सुना, बट बहुत प्यारी लग रही है। तो भाई ये हम आ चुके हैं न्यू टिहरी में, शायद वो है न्यू टिहरी या ये है, मतलब ये शायद ये पूरा ही है। और ये देखो यहाँ पे है टिहरी डैम जो कि बहुत फेमस है इटसेल्फ। पीछे इसका अच्छा व्यू था बट वहाँ मैं रुक नहीं पाया। अब आई थिंक कि मैप घुमा के मेरे को आगे दोबारा यहीं लेके आया, घुमा के समझ में नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से डैम के ऊपर जाना था बट ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है घुमा घुमा के। तो एक बार चलते हैं, अगर अच्छा सा व्यू मिला कहीं से तो दिखाऊंगा आप लोगों को। बाकी देखो यहाँ से भी देख ही सकते हो, ये लो। तो भाई ये रास्ता तो बड़ा गूफी गूफी सा होता जा रहा है, चलते चलते पता नहीं कहाँ ही पहुँच गए हैं, कहीं टूटे रोड आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और 2 डैम आए हैं एक जैसे बड़े बड़े बहुत, अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ टिहरी डैम कौन सा उनमें से, जो पहले दिखाया था आप लोगों को वो तो था ही
मतलब एक और आया बिल्कुल वैसा ही है, इस तरफ आया है वो काफ़ी दूर, शायद या तो वो भी टीरी डैम का पार्ट है या आई डोंट नो, प्लीज़ जज मत करना, अगर पता हो तो कमेंट कर देना। ओके सो गाइस, थोड़ा बहुत समझ में आया रास्ता, ये है ओल्ड टीरी रोड और ये हमारे पीछे जो है पूरा टीरी शहर है, न्यू टीरी जिसको बोलते हैं, वो देखो भाई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सच में, और बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे है और काफ़ी प्यारा शहर भी है। मैं आया हूँ एक बार शायद पहले, जब मैं बहुत छोटा था बचपन में आया था मैं भी। तो भाई आई थिंक फाइनली जो अपना वो वाला रोड था न्यू टीरी वाला वो ख़त्म हुआ, और टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा रोड था, मज़ा आ गया, बहुत मस्त। उस पर मैंने नी डाउन नहीं हुए मेरे, पर मेरे टोज ज़रूर डाउन हुए, मेरे शूज़ नीचे पक्का घिस चुके होंगे, बार बार इतने ज़्यादा घिस रहे थे नीचे, और हवा बहुत तेज़ चल रही है, ज़बरदस्त विंड ब्लास्ट है। और बाकी अभी बताऊँ तो टाइम हो चुका है लगभग 1:48 और अभी 265 किलोमीटर बचे हैं भाई साहब, आज तो भाई साहब किलोमीटर कम ही नहीं हो रहे हो। कर दो और कर दो। तो भाई लिटरली मतलब भाई हद हो गई हद, ऐसा क्या हो गया भाई, 2-4-5 रुपए अगर यहाँ पे पेट्रोल सस्ता है तो पेट्रोल ही नहीं होगा। ये लिटरली चौथा या पांचवा वो है ये पेट्रोल पंप, ये शायद हाँ पांचवा पेट्रोल पंप है जिसे पेट्रोल मिला है मेरे को फाइनली, नहीं तो हर पे हाईवे पे रुकता हूँ, तेज़ स्पीड में होता हूँ और फिर घुसने के बाद बोलते हैं ही नहीं, इतना दिमाग ख़राब हो जाता है ना भाई लिटरली। ऐसा मेरे को ब्रेक भी लेना था यार 10-15 मिनट का, बट वो लेने का बचा नहीं कहीं पर, थोड़ा आगे लेंगे अब। भाई साहब पता नहीं क्या चक्कर, आज हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है उस साइड से, और डायरेक्ट इधर इतनी तेज़ लग रही है कि बाइक का मतलब प्रॉपरली बैलेंस भी नहीं हो पा रही है, इधर को भाग रही है बाइक बहुत ज़्यादा, मैं भगा रहा हूँ भाई, भाग ही नहीं रही 110 से ऊपर। तो चलो भाई थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं, पता नहीं जो मन करेगा, छोटा मोटा कुछ खाएँगे, ज़्यादा हैवी का तो मन है नहीं। तो भाई ये हम मेरठ में पहुंचते हुए, और मेरठ से अब मैं मुड़ रहा हूँ राइट बागपत की तरफ, और उधर सीधा है दिल्ली। पहले मेरा मन था दिल्ली से होके जाने का, बट ये बागपत वाला रूट भी ठीक है मैंने सुना है तो, और वैसे भी आज ये डिफरेंट रूट है, यूजुअली पानीपत शामली से जाता हूँ, बट आज लेट्स ट्राई बागपत वाला रूट। और ये भाई हम प्रॉपर हरियाणा में घुसते हुए, शायद ये हरियाणा ही बॉर्डर होगा, नॉट श्योर बट कोई तो था। और मेरी तरफ से जो बागपत वाला रूट है भाई वो पास है, ओके रिपोर्ट रूट है, बट रात के लिए थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि बीच बीच में ना सिंगल रोड आता है, तो रात को देख लेना कि जाना है नहीं, बाकी तो ओके रिपोर्ट है। अगर आपको शाम निकलना पसंद नहीं है ना क्योंकि वो टूटा रहता है बहुत बार, तो आप यहाँ से जा सकते हो, ये वाला रोड प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। ओके ऑल राइट गाइस, पहुंच गए यार फाइनली घर वापस अपना। ऑल्दो देखो यार मी एज अ ट्रैवलर कभी मन नहीं करता दोबारा घर आने का, बट एक सच बताऊं जब 8-10 दिन की लंबी ट्रिप हो जाए ना, लंबी ट्रिप हो जाए तो एक बार एक मोमेंट की खुशी तो मिलती है जब घर पे तुम वापस आते हो ना आराम से बैठ तो, और वो सब वो जो वो वाली फीलिंग होती है वो भी एक अच्छी होती है भाई देखो। और अभी बस मैं वही लेने वाला हूँ थोड़ी, और 5-10 मिनट में बिल्कुल घर पहुँच चुका हूँ, तो आई थिंक यप
इस ट्रैवल सीरीज को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरी ट्रैवल सीरीज अच्छी लगी होगी। ट्रैवल सीरीज का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पूरी देख लो जाके अगर नहीं देखी तो भाई, और प्लीज़ थोड़ा सा प्यार दिखा दो। और बस फिर मिलते हैं अगली किसी सीरीज़ या वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, राइड सेफ, ठीक है। ये मैं बोलता नहीं हूँ बट वैसे आज मन किया बोलने का, ठीक है भाई। ओके गाइस, बाय बाय, लाइक कर देना, चलो बाय।